नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नॉन टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। ये क्वेश्चन बार्क, सीपीआरआई, यूपीपीसीएल और नेवी ट्रेड्समैन के लिए इम्पोर्टेंट है। मेन क्लासेज टारगेट करके बनाई जा रही है सीपीआरआई टेक्नीशियन के लिए। उसी के साथ बार्क का भी सिलेबस कॉमन है, यानी कि जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों में आ सकते हैं, तो जरूर देखिए। और जनरल अवेयरनेस के लिए बताना नहीं पड़ेगा कि ये बार्क में आएगा, कोई फिक्स क्वेश्चन थोड़ी ना है कि अभी पूछ ले आपसे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये क्वेश्चन सीपीआरआई थोड़ी पूछेगा, कोई भी एग्जाम पूछ सकता है, तो आप जरूर पढ़ लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आपको बार्क की जितनी भी क्लासेज है इनमें से गारंटीड क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। वैसे मिक्स नॉन टेक की सीपीआरआई के लिए प्लेलिस्ट है, मिक्स नॉन टेक के नाम से जाकर देखिए, बहुत सारी क्लासेज हो चुकी हैं, उन क्लासेज के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस आपको कमेंट में बताना है कि आपकी एग्जाम डेट कब है, साथ ही एग्जाम होने के बाद आपसे पूछे गए क्वेश्चन हमें बताने, नॉन टेक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जीके, जीएस और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा त्रिपुरा का राज्य पुष्प है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये नॉन टेक में आया था यूपीपीसीएल की। आप सभी का आईटीए बेस्ड जो भी नॉन टेक है वो सिलेबस कॉमन रहता है, तो आप पढ़ सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, रोहिडा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला एंडोलेटा, इस प्रकार से है, तो आप याद रखें एंडोलेटा, यानी कि ये इसका वैज्ञानिक नाम है रोहिडे का। रोहिणी को राजस्थान का राज्य पुष्प कब बनाया गया? तो ये राजस्थान का आपको ध्यान रखना है राज्य पुष्प है, और ये इसे 1983 में इसे बनाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं और ये क्वेश्चन डीपली है, तो आपसे तो बस इतना पूछेगा कि रोहिडा या फिर राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिडा, टेकोमेला, एंडोलेटा। लेकिन जब आपकी राजस्थान उत्पादन में भर्ती आएगी, जब आपके टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आएगी, राजस्थान रोडवेज में आएगी और वाटर वर्क्स में आएगी, तब क्वेश्चन आ सकते हैं कि रोहिड़े को राजस्थान का राज्य पुष्प कब बनाया गया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये आप जरूर पढ़ लीजिए। साथ ही आपसे पूछे नागेश्वर, तो इसका एक और नाम आता है नागपू, इस प्रकार से इसका नाम आता है। जी आपके त्रिपुरा का राज्य पुष्प है, ध्यान रखना है आपको राज्य पुष्प कौन सा है, तो ये आपकी नागपुर या नागेश्वर राज्य इसका त्रिपुरा का है। कमल, आपको पता होगा कमल का फूल भारत का आपके राष्ट्रीय पुष्प है, तो ये आपको ध्यान होगा, आप याद कर सकते हैं। इसका आंसर मैंने बता दिया और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो भी आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रपति के जन्मदिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो पहले तो आप बताइए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब मनाया जाता है, तो ये आता है आपके 5 सितंबर को, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अब किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले आपके फर्स्ट थे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और आपके पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे, यानी कि पहले के राष्ट्रपति और पहले आपकी फर्स्ट नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जाकिर हुसैन पहले मुसलमान आपकी राष्ट्रपति बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनको 1964 में, मैं आपको बता ही देता हूँ, 1964 में इसे भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भारत रत्न। और ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे और पहले नंबर के मुसलमान राष्ट्रपति बने थे, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट मुसलमान राष्ट्रपति कौन बना, तो ये भी आपको बताना है, और तीसरे नंबर के कौन है, तो भी आपको जाकिर हुसैन करना है। मध्यकालीन युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, या तो आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में स्थापना होना चाहिए या फिर पुनरुद्धार, लेकिन इन्होंने दोनों दिए हैं तो हम दोनों पढ़ेंगे, एग्जाम में आपके एक आएगा। जब आपसे स्थापना की बात करें, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम आता है कुमार गुप्त,
कुमार गुप्त महेंद्रादित्य इसका पूरा नाम है, लेकिन ऑप्शन में आपको मिलेगा कुमार गुप्त। पूरा नाम क्या है? कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। कब स्थापना की तो वो आप ध्यान कर दीजिए, 450 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की है नालंदा विश्वविद्यालय की। अब आपसे पूछा है पुनरुद्धार। पुनरुद्धार मतलब एक बार वो बन गई है, फिर उसमें कुछ सालों बाद कुछ कमियां आई है और उसे फिर से एक बार सजाया गया है, फिर से उसका कुछ न कुछ जो कमियां थी उसे मेट कर नई बनाई गई है। जैसे कि आपके घर में कई बार कुछ हो जाता है या फिर लगने लगता है कि पुराना हो गया, तो पेंट करते हैं या फिर कुछ नई बनाते हैं, कुछ चीज़ों को हटाकर उन्हें दोबारा बनाया जाता है। तो किसी मंदिर, किसी मस्जिद या फिर ये किसी आपके बिल्डिंग या फिर विश्वविद्यालय को फिर से बनाना, एक बार फिर से दोबारा उसका विनिर्माण करना या पुनरुद्धार करना, ये होता है पुनरुद्धार। ये किसने करवाया था? ये आपके धर्मपाल ने करवाया था और ये पाल वंश का शासक था। पुनरुद्धार आपको ध्यान रखना है, ये इन्होंने करवाया था धर्मपाल ने। तो ये यहाँ पूछा गया है, धर्मपाल आपके आंसर की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे आपको ध्यान रखना है कि धर्मपाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की थी। तो आप जरूर पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने, बहुत कठिन क्वेश्चन होते हैं, यदि आप ऐसे क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप सिलेक्शन के करीब जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प वेदों को याद रखने की या याद करने की 8 तरीके यानी कि विकृति में से एक नहीं है? तो वह अब आपको 8 तरीके पता होने चाहिए, यदि नहीं है तो आप तो तुक्का ही मारोगे, यानी कि पहले पहले यदि आपने क्वेश्चन देखा है तो आप तुक्का ही मारेंगे। अब इसमें क्या है, आपको 8ों वो तरीकों के नाम पता होने चाहिए, फिर आप कह देंगे कि ये इसमें शामिल नहीं है। तो पहला होता है आपकी जटापथ, जटापथ लिखा हो सकता है या फिर जटापाठ लिखा हो सकता है, जैसे कि ये वाला पाठ भी लिखा हो सकता है, पाठ या पथ आपको ध्यान रखना है। तो एक ही बात है, जटापथ। फिर आपके 2 नंबर पर आता है मालपथ, शिखापथ, रेखापथ, और 5वें नंबर पर आता है आपके ध्वजापथ, फिर आता है आपके धनपथ, दंडपथ और मालपथ, यानी कि ये आपके 8 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? तो ये आप 8 तरीके ध्यान रख लीजिए, पूरी पथ इनमें शामिल नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, पूरी पथ आपके इनमें 8 तरीकों में शामिल नहीं है और सारे 8 तरीके इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं, और वेदों के बारे में तो आपको पता होगा 4 प्रकार के वेद हैं और चारों का आपको ध्यान होगा। थोड़ी एक बार मैं बता देता हूँ, 4 वेद हैं जो सब एशिया के, आप कह सकते हैं विश्व के सबसे जीवित साहित्य कोई है तो वो वेद ही है। पहले मैं आपके वेदों के नाम बता देता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा वेद ये है, कौन सा ये है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला सामवेद, जो संगीत का जनक है, सामवेद से क्वेश्चन आता है संगीत का जनक, तो आपको ये वाला भी ध्यान रखना है। फिर 2 नंबर का आपके जो वेद आता है वो आता है आपकी ऋग्वेद। ऋग्वेद से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो सबसे पुराना यानी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे आपके प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद। फिर आपकी ऋग्वेद में मंडल है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 1024 सूक्त है, 10 मंडल है, ये आपको पूरी जानकारी मैंने पहले से आपको दे रखी है। फिर आपके आता है अथर्ववेद, अथर्ववेद ये वाला, ये वेद क्या आता है, तो इसे आप जादू टोनों का वेद कह सकते हैं, आप इसे वेद त्रय में शामिल नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला आपके वेद है जादू टोनों का वेद। और एक आता है आपकी यजुर्वेद, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, यजुर्वेद, यजुर्वेद आपके 4 वेद होते हैं। तो चारों का आपको इम्पोर्टेंट जानकारी जितनी मेरे पास थी मैंने आपको दे दी है, आप इनको जरूर पढ़ लीजिए। रिक्वेस्ट करेंगे लाइक कर दीजिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, रोज़ आपके लिए क्लासेज लेकर आते हैं। मिक्स्ड नॉन टेक की क्लास आपके लिए अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर बार हर परीक्षा के लिए नॉन टेक प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से किसने योजना आयोग का स्थान ले लिया? ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी 2 दिन पहले करवाया था, लेकिन अब और आपको जानकारी दे देता हूँ। वित्त आयोग क्या है, तो आपको पता है वित्त आयोग के बारे में, अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन आए तो अभी जो वित्त आयोग चल रहा है वो आपकी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछें तो वो आपको ध्यान रखना है, वित्त आयोग के अध्यक्ष 15वें के एन के सिंह है, एन के सिंह।
ये वाला जानकारी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। और वित्त आयोग का यानी कि कौन सा अनुच्छेद है वित्त आयोग के बारे में, तो वित्त आयोग का उल्लेख आपकी अनुच्छेद 280 में किया गया है, ये भी जानकारी आप नोट कर लीजिए। फिर आपसे पूछा जा सकता है योजना आयोग के बारे में, मैंने बता दिया कि मार्च 1950 में स्थापना हुई थी और इसकी जगह आपकी नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ मैंने आपको बहुत बार करवाए हैं, जरूर पढ़ लीजिए। उपाध्यक्ष यदि आपसे पूछे तो BVR सुब्रमण्यम इसके उपाध्यक्ष हैं, जरूर पढ़िए, नए हैं, क्वेश्चन आ सकता है। CAG के बारे में क्वेश्चन आता है, जिसे केग कहते हैं, CAG यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। अभी वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू इसके CAG के आपके हैं। और 19 आपके 188 से लेके 151 तक अनुच्छेद CAG के बारे में है संविधान में। चुनाव आयुक्त आपके राजीव कुमार हैं, तो आप इनको भी जरूर पढ़ लीजिए। अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे CPRI और BARC दोनों की प्लेलिस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज लॉन्च है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट आपके 15 से ज़्यादा मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए गए हैं, BARC में 33 एडवांस के और आपके 10 से ज़्यादा यानी कि 15 आपके प्री के मॉडल पेपर प्रोवाइड किए गए हैं, दोनों की लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, CPRI और BARC की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो UPSC आपके ध्यान रखना चाहिए, आपको UPSC का अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक UPSC का उल्लेख है। और UPSC के अभी अध्यक्ष हैं जो, वो है डॉक्टर मनोज सोनी। तो बस यही क्वेश्चन आते हैं। स्थापना यदि पूछें तो 1 अक्टूबर 1926 को UPSC की स्थापना की गई। भारत के न्यायवादी नीति आयोग आपके एक प्रकार का संवैधानिक निकाय नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखने, और ये तीनों संवैधानिक निकाय हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संशोधन द्वारा नेपाली भाषा को ऑफिशियल भाषाओं की सूची में शामिल किया गया, तो संविधान संशोधन 71 नंबर है, नया क्वेश्चन आया है पहली बार, तो पढ़ लीजिए। 71 आपकी संविधान संशोधन है जिसमें नेपाली भाषा को ऑफिशियल भाषाओं में शामिल किया गया। और आपसे पूछा जा सकता है, दो चार और अनुच्छेद है जो मैंने आपको करवा रखे, उन्हें भी पढ़ लीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, 1998 में राज्यपाल द्वारा सरकार को बर्खास्त करने के बाद निम्न में से कौन एक दिवस की मुख्यमंत्री बनी, जिसे एक दिवसीय मुख्यमंत्री कहा जाता है, एक दिवसीय मुख्यमंत्री कौन बनी, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो ये आपकी आपकी जगदम्बिका पाल हैं, जो यूपी के एक दिवसीय मुख्यमंत्री बनी थी, और इनको आपके पहले 1998 में जो राज्यपाल थी उन्होंने सरकार को बर्खास्त किया और एक दिन के लिए इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और आपके एक दो इम्पोर्टेंट और जानकारी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सतीश प्रसाद 3 दिन के लिए या फिर 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तो इसी क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए। आज की क्लास में बस इतना ही, लाइक शेयर की उम्मीद है, और BARC प्री एग्जाम की और CPRI के लिए मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें।